हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल वीडियो में अपन बात करने वाले डांस प्लस के फेमस जज धर्मेश सर के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे उनकी एज, गर्लफ्रेंड, फैमिली, इनकम, कार कलेक्शन, हाउस, अवार्ड, नेटवर्क और साथ ही बात करेंगे उनके डांसिंग करियर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके रियल नेम से। तो उनका रियल नेम है धर्मेश एलांडे, साथ ही उनका निकनेम है धर्मेश सर और डी। धर्मेश प्रोफेशन से एक्टर, डांसर और एक कोरियोग्राफर है। धर्मेश सर का जन्म 31 अक्टूबर 1983 को हुआ था। अभी 2021 में वे 38 साल के हो चुके हैं। धर्मेश सर का जन्म वडोदरा गुजरात में हुआ था, साथ ही उनका होम टाउन भी वडोदरा गुजरात में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बरादा हाई स्कूल वडोदरा से कंप्लीट की है। साथ ही आपको बता दें, धर्मेश सर ने हाई स्कूल के बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। बात कर लेते हैं उनके हॉबीज़ के बारे में, तो उनको घूमना और साथ ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अब बात कर लेते हैं उनके डांसिंग करियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, धर्मेश सर को बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद है। उनके डांस के प्रति लगन को देखते हुए उनके पिता ने धर्मेश सर को डांस एकेडमी भी ज्वाइन करा दी थी। लेकिन धर्मेश सर एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो एक टाइम ऐसा भी था कि उनके पास डांस क्लासेस की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में धर्मेश सर ने एज अ बैकग्राउंड डांसर भी काम किया है। साल 2007 में धर्मेश सर अपना करियर डांस में बनाने के लिए मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सबसे पहले डीडी नेशनल पर आने वाले डांस शो एयरटेल क्रेजी कियारे में पार्टिसिपेट किया। धर्मेश सर इस शो के विनर तो नहीं रहे, लेकिन सेकेंड रनर अप रहे। लेकिन धर्मेश सर ने हार ना मानते हुए मेहनत करते रहे और साल 2008 में डांस शो बुगी बुगी में पार्टिसिपेट किया और इस शो के विनर भी रहे। लेकिन धर्मेश सर को वह सफलता अभी भी नहीं मिली थी जो वह अपने लाइफ में चाहते थे। फिर साल 2009 में धर्मेश सर के लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्होंने डांस इंडिया डांस सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया, जहां धर्मेश सर की मुलाकात रेमो सर से हुई और इसके बाद से धर्मेश सर उन्हें अपना आइडियल मानने लगे। अगर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा तो आप किसके पास जाओगे? नहीं, ऐसे तो मैम तीनों बहुत सॉलिड है। अच्छा, सॉलिड है। Who do you really like? Honest, honest. रेमो सर। धर्मेश सर इस शो के विनर तो नहीं रहे, लेकिन फर्स्ट रनर अप रहे, जिसके बाद से धर्मेश सर की फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद धर्मेश सर ने कई टीवी शो में काम किया, जिसमें से कुछ इस प्रकार है: डीआईडी लिटिल मास्टर, डांस के सुपर किड्स, कॉमेडी का डेली शो, डीआईडी डबल, जस्ट डांस जैसे हिट शो शामिल है। साथ ही उन्होंने डांस प्लस के सभी शो को जज भी किया है। बात कर लेते हैं उनके बॉलीवुड करियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, धर्मेश सर ने साल 2010 में आई बॉलीवुड मूवी इस्मार खान से अपने कोरियोग्राफर करियर की शुरुआत की थी। साल 2013 में धर्मेश सर को बॉलीवुड मूवी एबीसीडी में एज अ एक्टर काम करने का मौका मिला। साथ ही मराठी मूवी अंगारकी में भी काम करने का मौका मिला। धर्मेश सर ने एक के बाद एक कई हिट मूवी में काम किया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है: एबीसीडी 2, बैंजो, नवाबजादे, स्ट्रीट डांसर 3D, सफलता 0 किलोमीटर जैसे हिट मूवी शामिल है। साथ ही साल 2020 में खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में भी पार्टिसिपेट किया, जहां धर्मेश सर सेकंड रनर अप रहे। धर्मेश सर वडोदरा में एक डांस एकेडमी भी चलाते हैं, जिसका नाम है डी वायरस। हमारी टीम का ये स्लोगन है, बॉयज गर्ल्स रेडी, जा हाथ डाला वहां। धर्मेश सर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी तक 4.6 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। आपको धर्मेश सर कैसे लगते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब बात कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर के बारे में। दोस्तों आपको बताते हैं, धर्मेश सर ने अपने फादर और मदर से रिलेटेड कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। इसी के साथ ही उनके दो भाई भी है। उनके बड़े भाई का नाम विवेक येलांडे और उनके छोटे भाई का नाम कल्पेश येलांडे है। अब बात कर लेते हैं उनके गर्लफ्रेंड के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, धर्मेश सर करंटली सिंगल है, लेकिन रूमर्स की माने तो ब्रेशना खान को उनकी गर्लफ्रेंड बताया जाता है। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी एंड थोड़े पैसे वाले थे, लेकिन जब पता चला कि भाई उनकी शादी हो रही है, तो मेरा सबसे अरे हार्ट ब्रेक हुआ था, बहुत बुरा वाला हुआ था। अब बात कर लेते हैं उनकी इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, धर्मेश सर किसी भी टीवी शो के पर एपिसोड के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, किसी भी मूवी में काम करने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, किसी भी लाइव शो में काम करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं, साथ ही किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनकी नेटवर्थ अप्रोक्स 40 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। तो नंबर वन पे है जीप रैंगलर, जिसकी कीमत है 68 लाख रुपए। सेकंड नंबर पे मर्सिडीज बेंज ए क्लास, जिसकी कीमत है 42 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं उनके हाउस के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, धर्मेश सर करेंटली मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, साथ ही उनका एक और घर वडोदरा गुजरात में भी है, जिनकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप धर्मेश चिल्लांडे के फैन हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को कर दीजिए लाइक। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।